भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 दिन पे दिन अपने सारे पड़ाव पार करते जा रहा है। चंद्रयान 3 अपनी मंजिल से बस एक कदम की दूरी पर है। भारत बहुत जल्द चांद पर अपना तिरंगा लहराने वाला है। भारत का ये मिशन ऐतिहासिक होने वाला है। जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो बस कुछ ही वक्त का रह गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर आज एक और गुड न्यूज दी है। इसरो को चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, गुरुवार दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, जो कि लैंडिंग से पहले की अहम प्रक्रिया थी। इस प्रोसेस में चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल को अलग किया गया है। अब विक्रम लैंडर चांद के 100 किमी क्षेत्र में घूमेगा और धीरे धीरे लैंडिंग की ओर बढ़ेगा। इसरो ने आधिकारिक बयान जारी किया है, उसमें ऐलान कर दिया है कि लैंडर और प्रोपल्शन सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं। अब शुक्रवार शाम 4 बजे लैंडर मॉड्यूल को निचले ऑर्बिट में डिबूट किया जाएगा। अब चांद के पास भारत के 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं, यानी भारत चांद पर कदम रखने के बिल्कुल करीब है। अगर चंद्रयान 3 की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है, तब भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड होगा, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इस सेपरेशन के बाद अब अगले 1 हफ्ते तक हर किसी की सांसें थमी होगी। चलिए अब ये जानते हैं कि प्रोपल्शन और लैंडर कैसे अलग हुए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 2023 को होनी है, लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी अहम है। इसरो के मुताबिक गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर अलग हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों चांद की कक्षा के 100-100 किमी रेंज में होंगे। दोनों को कुछ दूरी पर रखा जाएगा ताकि इनमें टक्कर ना हो पाए। जब लैंडर अलग होगा, तब वह अंडाकार तरीके से घूमेगा और अपनी गति को धीमी करता जाएगा। धीरे धीरे यह चांद की ओर बढ़ेगा। 17 अगस्त को ये प्रक्रिया होगी और फिर 18 अगस्त को भी एक महत्वपूर्ण पल आएगा। अब जानते हैं प्रोपल्शन और लैंडर अलग होने के बाद क्या होगा। जब प्रोपल्शन और लैंडर अलग हो जाएंगे, उसके बाद लैंडर का असली काम शुरू होगा। विक्रम लैंडर तब चांद की 100 किमी की रेंज में अंडाकार शेप में घूमता रहेगा। इस दौरान उसकी स्पीड कम करने की कोशिश की जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे लैंडर को चांद की ओर भेजा जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसरो ने आगे ये भी बताया कि सभी चीजें अपने समय अनुसार चल रही है और सब ऐसा ही रहेगा तो हम चांद की सतह पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। चंद्रयान 3 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर जांच करेगा। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक जांच करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और ये भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आता है।